trying to protect you. You're not a prisoner here. बालोग मेकर ये जानबूझकर कर रहे हैं या उनसे ये हो जा रहा है, लेकिन ये स्नीक पीक क्लिप भाई बहुत टीज कर रही है। एक तो एपिसोड 9 के लिए पहले ही दिल में इतनी तड़प भरी है, ऊपर से मेकर की ये ऊपर ऊपर से कर लो वाली हरकतें। मतलब बात वही हो गई कि वाइब भी मैच हो गई, ओयो में भी चले गए और वहां जाके बंदी ने बोल दिया कि आज ऊपर ऊपर से। बाबा या तो पूरा एपिसोड ही निकाल दो, वरना छोटे छोटे क्लिप निकाल के ऐसे मत तड़पाओ। चलो हमारा काम है बात करने का, तो बात कर लेते हैं कि आखिर क्लिप में चल क्या रहा है और इस पॉइंट के बाद कहानी क्या बिल्डअप लेने वाली है आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि बाबा निरे सवाल छोड़कर जाती है ये क्लिप। जस्ट लाइक माई एक्स, कि उस दिन सब ठीक ही तो हुआ था मेरी तरफ से, फिर भी उसने ये क्यों बोल के ब्रेकअप करा कि तुम्हारी सोच ही 2 इंच की है। बाबा आज भी ये गुत्थी में डिकोड नहीं कर पाया हूं। लेकिन शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, बाबा एप्पल टीवी प्लस से साइलो सीजन 2 रिलीज हो चुका है, जिसका फर्स्ट एपिसोड भी ड्रॉप हो गया है। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हो उस पे तो काम किया जाए, कमेंट में जरूर बताकर जाना। इसी के साथ 18 नवंबर से HBO का ड्यून प्रोफेसी का भी पहला एपिसोड आ जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं इन दोनों पर भी एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन वीडियो लेकर आऊं, तो अपना एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट जरूर दिखाइएगा नीचे कमेंट बॉक्स पर। आई प्रॉमिस यू मेरे पास बहुत मटेरियल है इन दोनों यूनिवर्स के लिए। बाकी ज्वाइन माई टेलीग्राम, वहां आपको जाया करेंगे। क्लिप में हमने देखा फातिमा एलजिन से सेलर से आजाद होने की रिक्वेस्ट कर रही है, बट एलजिन उसे समझा रहा है कि तुम यहां कैदी नहीं हो, ये जो भी हो रहा है तुम्हारी और हमारी भलाई के लिए है। दूसरी तरफ फातिमा फिर वही कहना चाह रही है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, पर एलजिन का कहना है कि तुम प्रेग्नेंट हो और इस बच्चे को अब खुराक चाहिए जो तुम बहुत टाइम से खा भी नहीं रहे हो। सो ईट एंड मेक दिस बेबी हेल्दी। एंड इससे एलजिन का इशारा यही जा रहा है जहां कि जल्दी से फातिमा की डिलीवरी हो और इस कलेश से निपटे। एंड एलजिन ने एक और बात मेंशन करी कि जिस दिन तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर आई, आई रिमेंबर्ड माई ड्रीम, जहां उस लड़के ने इस टाउन को बचाने में हेल्प करी थी। देखो साफ पता चल रहा है कि एलजिन फुल ब्रेन वॉश्ड है बाय द किमोनो वुमन, जिसने मे बी एलजिन को यही पट्टी पढ़ा रखी है कि फातिमा के पेट में जो बच्चा होगा वो इस टाउन का सेवियर होगा, यानी मसीहा होने वाला है। जस्ट लाइक पॉल एट्रिडिस ऑफ ड्यून यूनिवर्स, और यू कैन से जॉन स्नो ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स, ऐसा एलजिन को किमोनो वुमन ने कहा होगा। लेकिन बाबा एलजिन का सही में चूतिया कट रहा है, वो भी बुरी तरीके से, क्योंकि वी ऑल नो फातिमा के पेट में कौन है, वो मॉन्स्टर क्रिएचर बेबी जिसे लोग स्माइली भी कह रहे हैं। और ये चीज कितनी सच होगी कितनी नहीं वो तो आगे ही पता चलेगी, लेकिन आगे जाकर एलजिन की हालत बहुत खराब होने वाली है। देखो मेकर बड़ी सॉलिड चाल चल रहे हैं ये दोनों स्नीक पीक लीक करके, और बाबा इन दोनों का कनेक्शन है आपस में, इंटरलिंक है। जहां पिछली क्लिप में सारा एलिस एंड बॉयड वाली थी, हमें पता चला कि सारा को ऐसी वॉइसेस सुनाई दे रही हैं जो फ्यूचर की घटना बता रही हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि फातिमा गायब है, सिर्फ एलिस एंड बॉयड को ही मालूम था, लेकिन सारा को पता चल गया उन वॉइसेस की मदद से। तो बाबा ये जो सारा का एंगल है वो अगर इस पॉइंट पर मदद कर सकता है तो आगे फ्यूचर में भी मदद कर सकता है, क्योंकि सूत्रों से ये भी पता चला है कि सारा को ही पता चलता है कि फातिमा को एलजिन ने छुपा के रखा है, और बाद में सारा एलजिन से इंटरोगेशन के दौरान इतनी अग्रेसिव हो जाएगी कि वो एलजिन की आंख तक फोड़ देगी, और एलजिन फिर वही चीजें सारा और बाकी लोगों को भी दोहराएगा, हम सब की भलाई के लिए ही किया है ताकि हम सब घर जा सके। तो देखते हैं बाबा ये सारा की एलजिन की आंख फोड़ने वाली बात कितनी सच होती है। बाकी 2-3 चीजें मेकर की बड़ी चूतियापा लग रही हैं, उसे ही नहीं पता है कि कौन सी मिस्ट्री कब सॉल्व करनी है और कब नहीं। और 2-3 कमेंट आए भी थे ऐसे कि लगता है मेकर अपनी ही मिस्ट्री में एंडिंग भूल गया है और घुल मिल गया है उसी में, लाइक इस हाइडिंग सेल में जो डिकेइंग बॉडी थी वो कहां गई, उसका क्या कनेक्शन है, और वो डिकेइंग बॉडी आखिर थी किसकी। दूसरा टिली जो इतना बेहतरीन करेक्टर था, काफी सस्पेंस कलेक्ट करके रख रहा था, उसकी मौत बेफिजुल सी दिखा दी, मतलब जब उसका इंपॉर्टेंट रोल था ही नहीं तो स्टोरी बिल्डअप में उस करेक्टर का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या थी। भाई मैं टिली से बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा था टिली जब न्यू अराइव हुई थी इस टाउन में और बारिश होने के बाद अकेली ही पागलों की तरह नाच रही थी, भाई ऐसा लग रहा था विक्टर की तरह एक और साइकोटिक एंड दमदार करेक्टर आया है, बट वेस्ट कर दिया उसे मेकर ने। लेकिन हाँ सारा का पार्ट एपिसोड 9 में दमदार होने वाला है, जिसके लिए मैं काफी एक्साइटेड भी हूं, क्योंकि बाबा मे भी जो वॉइसेस सारा को सुनाई दे रही हैं वो हेल्पिंग कॉल हो सकती हैं आगे टाउन के रिलीफ के लिए। बाकी हमने देखा कि जूली को भी वॉइसेस सुनाई दे रही हैं, इसी के साथ साथ रैंडल के दिमाग में भी ढेर सारी वॉइसेस चल रही हैं, तो इन तीनों करेक्टर का एंगल आगे स्टोरी के लिए कुछ सॉलिड तो होने वाला है। बाकी एपिसोड 9 से रिलेटेड जितनी भी क्ल्यूज एंड प्रोमो डिटेल्स थे, हम सभी पे सारी डिटेल्स से रिलेटेड बहुत ही बात कर चुके हैं। अब देखते हैं कल संडे को एपिसोड 9 में कौन सी बातें कितनी सच होती हैं। लेकिन प्रोमो में हमने देखा था कि फातिमा की बैली बड़ी दिख रही है, बट इस क्लिप में अभी तक फातिमा स्लिम ट्रिम ही देखने को मिल रही है। तो अचानक फातिमा की बैली बड़ी कैसे होगी,
भाई मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इतनी जल्दी असर कर जाएगा, या फिर ऐसा कौन सा मॉन्स्टर क्रिएचर है जो इतना हाई इन्फ्लुएंस्ड है। देखते हैं बाबा एपिसोड 9 में। बाकी आप लोग कितने एक्साइटेड हो एपिसोड 9 के लिए, सो मी योर एक्साइटमेंट, एंड साइलो सीजन 2 एंड ड्यून प्रोफेसी के लिए भी अपना एक्साइटमेंट जरूर दिखा के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, और यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।